All right, so now let's come to the most asked question, which is when is my wedding? Mera wedding date kab hai? So to be very honest, the worst year of my life emotionally, mentally was 2021. Views ke liye kafi acha hai, lekin aap agar paise kamana chahte hain, to be very precise, do I contact brands for collaborations? Mera full time nahi hai news reading and jo journalism profession hai wo. Pure 2021 saal ka jo payment tha mera, uske upar bhi maine video share kiya hai. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Shiny. Aaj main aap logo ke saath share karne ja rahi hoon ek Q&A video, and this is the last Q&A of 2022. So this video is very important, and मुझे पता है कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं एंड आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस हैं. आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी इमोशनल इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो इस क्यों वीडियो में मैं पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस के बारे में एंड स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड थे तो मैंने सबको मिक्स किया है एंड मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. सो जो पहला क्वेश्चन है, डू आई कॉन्टैक्ट ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशंस? पहले मैं कॉन्टैक्ट करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट जब इनिशियल डेज में मेरा चैनल था, बट अभी मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट है. अभी मैं ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट नहीं करती बिकॉज उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, ब्रांड्स खुद कॉन्टैक्ट करते हैं. बट खुद से ब्रांड को कॉन्टैक्ट करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद भी करती थी इनिशियल डेज में. बट मैंने ये फील किया है कि अगर आप हार्डवर्क करते हैं देन डेफिनेटली ब्रांड्स खुद आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड वो खुद ही आपको अप्रोच करते हैं, जैसा अभी मेरे साथ होता है. इसीलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी पर्टिकुलर ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने की. बट इन द फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगे कि किसी ब्रांड के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, डेफिनेटली मैं अपना पोर्टफोलियो उनको सेंड ज़रूर करूँगी. मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, मैम रिसेंटली आपके स्किन में थोड़ा डार्क स्पॉट्स थे जो अभी काफ़ी लाइट हो गए हैं, आपने ये कैसा किया? सो येस, मुझे एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हो गया था जिससे कि मेरे स्किन पर थोड़े बहुत रैशेस आ गए थे एंड उसकी वजह से रेड स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स भी हो गए थे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बेसिकली हो गया था. फाइनली बहुत सर्च करने के बाद नाउ आई एम सॉर्टेड और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा है. करेंटली आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर शेड्स केसर एंड कोजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम विथ फार्मास्यूटिकल ग्रेड पोटेंसी कम्बाइंड विथ जेंटल इंग्रीडियंट्स. द बेस्ट पार्ट इज कि ये ना काफी लाइट वेट है एंड इसका एक नॉन ग्रीजी टेक्सचर है. पूरे फेस पे मैं इसे रेगुलरली दो बार इस्तेमाल करती हूँ एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है. पिगमेंटेशन, एक्नी मार्क्स, डार्क स्पॉट्स काफी रिड्यूस हो गए हैं इन फ्यू वीक्स ओनली. स्किन को ये क्लियर, ब्लेमिश फ्री बनाता है एज बिकॉज इट हैज़ फार्मास्यूटिकल ग्रेड पोटेंसी लेवल 2% कोजिक एसिड कम्बाइंड विथ जेंटल इंग्रीडियंट्स, 1% नायासिनामाइड एंड 0.5% ग्लाइकोलिक एसिड दैट लाइटन्स पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड एक्नी स्कार्स एंड इज परफेक्ट फॉर डेली यूज. इट इज़ डीपली नरिशिंग जो कि स्किन में ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है एंड बिल्कुल नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली फिनिश देता है, विच आई लव. All Dr. Shade's products have been formulated and tested by dermats having 90 years of experience. इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट है एंड इट रिटेल्स फॉर जस्ट 499 रुपीस. और आप मेरा ये कूपन कोड इस्तेमाल करके एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं ऑन डॉक्टर शेड्स वेबसाइट विच इज drshade.com एंड ये इजिली अवेलेबल है Amazon, Nykaa, Flipkart पे, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं. सारे ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक्चुअली Q&A का जो क्वेश्चन है वो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप ज़रूर वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. मैं अपनी डेली लाइफ के अपडेट्स एंड ऑल सब शेयर करती हूँ. तो किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि आई एम एक्सपेक्टिंग टेक कॉन्टेंट फ्रॉम यू, आई एम बींग योर फॉलोअर फ्रॉम यूट्यूब मोनिटाइजिंग वीडियो. तो बहुत सारे मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं जो कि टेक कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो पेमेंट वाला वीडियो था वहाँ से आपने मुझे सब्सक्राइब किया है. आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट. बहुत सारे मैंने यूट्यूब पेमेंट्स रिलेटेड वीडियोस भी शेयर किया है. पूरे 2021 साल का जो पेमेंट था मेरा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर किया है, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी उसे. और जो 2020 का जो मेरा पूरा पेमेंट है उसके ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगा. बट एक्चुअली दिसंबर का जो पेमेंट है वो हमें जैन एंड में रिसीव होता है, तो अगर मैं दिसंबर की पेमेंट के लिए वेट करूँ तो ये वीडियो आने में जैन एंड हो जाएगा, मतलब जनवरी 2023 एंड के बाद, मतलब फेब स्टार्टिंग में शायद मैं शेयर कर पाऊंगी.
तो आप ही बताओ मुझे क्या करना है, दिसंबर पेमेंट के लिए मुझे वेट करना है या दिसंबर पेमेंट को एक्सक्लूड करके ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे योर हाइट योर एज, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है आप लोगों के साथ। सो एक क्वेश्चन है व्हाट इज योर डे टू डे वर्क, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ बट दैट्स पार्ट टाइम, मेरा फुल टाइम नहीं है न्यूज रीडिंग एंड जो जर्नलिज्म प्रोफेशन है वो। मैं अभी फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन कर रही हूँ, उसके साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ। ऑल राइट, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस है कि आई वांट टू मीट यू, हाउ टू मीट यू। सो मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो अगर आप भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आई कैन अरेंज अ मीट एंड ग्रीट। मैम हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, क्या करें, एक साल हो गया वीडियोस बनाते बनाते, आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली। अब देखिए अभी क्या है कि यूट्यूब का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट की जगह अभी शॉर्ट्स एंड जो भी शॉर्ट कॉन्टेंट है ना वो अभी ज़्यादा क्लिक करते हैं, ऑडियंस के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता लंबे चौड़े वीडियोस देखने की, तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस व्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अगर पैसे कमाना चाहते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज तो उसके लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बेस्ट रहता है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ व्हेन इज़ माय वेडिंग, मेरा वेडिंग डेट कब है। सो एक्चुअली मेरी जो इंगेजमेंट है वो 2022 साल में ही हो गई है, इंगेजमेंट, आई एम इंगेज्ड, बट अभी वेडिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि वेडिंग शायद 2023 में होगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे किसी व्लॉग में। सो वेडिंग डेट कब है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी एंड एक स्पेशल तरीके से भी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि जब भी मैं वेडिंग वीडियो या वेडिंग डेट डिस्क्लोज करूंगी उसके साथ मैं गिव अवे भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एक प्यारी से सब्सक्राइबर ने काफी अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, वो है कि हाउ वाज माय 2022 डिफरेंट फ्रॉम 2021। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ इमोशनली मेंटली वाज 2021, बिकॉज 2021 में आई एम श्योर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं मेरी फैमिली के लिए भी दैट वाज द टफेस्ट टाइम, और उसे ओवरकम करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट वी स्टे टुगेदर एंड वी हैव ओवरकम इट एंड आई नो कि इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी लाइफ में, बट स्टिल टिल नाउ 2021 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एंड 2022 से मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस वगैरह कुछ भी नहीं था, आई वॉज वेरी कोल्ड दैट टाइम, बट टू माई सरप्राइज 2022 वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो एकदम ही मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वर्स्ट ईयर से इतना बुरा चल रहा था 2021 एंड उसके जो ट्रांजिशन रहेगा 2022 का वो इतना अच्छा रहेगा कि 2022 में इतने सारे माइलस्टोन्स मैं अचीव कर पाऊंगी जो कि मेरे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ मेरी इंगेजमेंट, सो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेरी जो इंगेजमेंट हुई है वो एक हफ्ते में सब कुछ डिसाइड हुआ एंड इंगेजमेंट डन, सो दैट वॉज वेरी क्विक एंड सरप्राइजिंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नेक्स्ट जो सबसे स्पेशल चीज़ हमारे फैमिली के लिए 2022 में हुआ है वो है जोरोज बर्थ। मेरी दीदी का जो बॉय है, बेबी बॉय, उसका बर्थ हुआ है एंड उसका बर्थ व्लॉग एंड लेबर पेन एंड प्रेगनेंसी व्लॉग मैंने फुल शेयर किया है, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम उसने स्पेंड किया है बिकॉज वो घर आ गई थी, मेरी दीदी बहुत दूर रहती है मेरे से तो वो घर आ गई थी, तो मेरी फैमिली के लिए भी वो एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट्स थे बिकॉज काफ़ी सारे मंथ उसने हम लोगों के साथ बिताया है जो कि यूजुअली नहीं होता है क्योंकि आफ्टर 10th वो घर से बाहर ही रहती थी, वो स्टडीज़ करती थी फिर जॉब एंड ऑल, तो इस साल हमें बहुत सारे महीने मिले उसके साथ स्पेंड करने के लिए तो वो एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। एंड 2022 में मेरा फर्स्ट मिलियन हुआ है एक वीडियो में, अभी तो सिर्फ वीडियो है, आई एम डैम श्योर कि किसी ना किसी साल में तो मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर ही लूँगी अगर आप सब की सपोर्ट रहा तो। 2023 में मुझे प्रोफेशनल थोड़ा सा ग्रोथ करना है, मुझे और ज़्यादा हार्डवर्क करनी है, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट एक्सप्लोर करना है, तो ये मेरे सारे प्लानिंग्स एंड ऑल है। जैसे मुझे 2022 से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था बट इस साल मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी खुशियाँ मिली, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सो दैट्स इट, विद अ वेरी स्वीट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप डॉक्टर शिव के इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।